हमारी नीतियां वो गरीब वंचित पीड़ित शोषित दलित और महिला युवा इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को आज दिन तक 1300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है, गरीब आदमी को बचत हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3,70,00,000 घर बनाए, तो वहीं 20,50,000 घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर मैं बिजली की बात करूं, तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई, तो वहीं 24,50,000 घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, तो वहीं 43,00,000 लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं, तो 72,00,000 घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर मैं युवा की बात करूं, तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है, तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं, तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तो 40,50,000 किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों, अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं, तो लगभग 1,00,000 किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है।